आज हम बात कर रहे हैं लोनार झील का पानी के रहस्य के बारे में। अचानक लाल हुआ लोनार झील का पानी, वैज्ञानिक हैरान, देखने हमने भीड़। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिला के हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ की मशहूर लोनार झील का पानी अचानक लाल रंग में बदल गया है। पहली बार हुए इस बदलाव को देखकर आम लोग और वैज्ञानिक हैरान है। बुलढाणा जिला के तहसीलदार सफेन नदाफ ने बताया कि पिछले 2-3 दिन से लोनार झील का पानी लाल रंग में बदल गया है। हमने वन विभाग को पानी के सैंपल लेकर जांच करन पता करने को कहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि लोनार झील में हेलोबैक्टीरिया और डियोनिलीला सलीमा नाम के कवक की वजह से पानी का रंग लाल हुआ। निसर्ग तूफान की वजह से बारिश हुई, जिस कारण हेलोबैक्टीरिया और डियोनिलीला सलीमा कवक झील की टॉयलेट में बैठ गए और पानी का रंग लाल हो गया। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है भी कि लोनार झील का पानी लाल होने के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं, जिसकी जांच होना अभी बाकी है। वही लोनार झील के पानी का रंग लाल होने के बाद आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में लोग झील देखने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों तो इस चमत्कार मान रहे हैं, तो वही कोई अफवाहें फैला भी रहे हैं। मालूम हो कि लोनार झील बेहद ही रहस्यमय है। नासा से लेकर दुनिया भर की तमाम एजेंसियां इस झील के रहस्य को जानने में बेसब्र से जुटी हुई है। लोनार झील का आकार गोल है। इसका ऊपरी व्यास करीब 7 किलोमीटर है, जबकि ये झील करीब 150 मीटर गहरी है। अनुमान है कि पृथ्वी से जो उल्का पिंड टकराया होगा वो करीब 10 लाख टन का रहा होगा, जिसकी वजह से झील बनी थी। लोनार झील का पानी खारा है। इस झील से जुड़ा हैरान करने वाला एक वाक्य यहाँ के ग्रामीण भी बताते हैं। वो कहते हैं कि 2006 में ये झील सूख गई थी। उस वक्त गांव वालों ने पानी की जगह झील में नमक देखा, साथ ही अन्य खनिजों के छोटे छोटे चमकते हुए टुकड़े देखे। लेकिन कुछ ही समय बाद यहाँ बारिश हुई और झील में फिर से पानी भर गए। हाल ही में लोनार झील पर हुए शोध में ये सामने आया है कि ये लगभग 5,70,000 साल पुरानी है। यहाँ की ये झील रामायण और महाभारत काल में भी मौजूद थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने का कारण ये झील बनी थी, लेकिन उल्का पिंड कहाँ गया उसका कोई पता अभी तक नहीं चला है। वहीं 70 के दशक में कुछ वैज्ञानिकों ने ये दावा किया था ये झील ज्वालामुखी के मुंह के कारण बनी होगी, लेकिन बाद में ये गलत साबित, क्योंकि यदि झील ज्वालामुखी से बनी होती तो 150 मीटर गहरी होती। नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले इस झील को बेसाल्टिक चट्टानों से बनी झील बताया था। साथ ही ये कहा था कि इस तरह की झील मंगल की सतह पर पाई जाती है, क्योंकि इसके पानी के रासायनिक गुण भी वहाँ की झीलों के रासायनिक गुणों से मिल खाते हैं। इस झील को लेकर कई प्रामाणिक ग्रंथों में भी जिक्र किया है। जानकर बताते हैं कि झील का जिक्र चंद्रवेद और संकेत पुराणों में भी मिलता है। इसके अलावा बद्ध पुराण और आयनी अकबरी में भी इसका जिक्र है। लोनार झील की एक खास बात ये भी है कि यहाँ कई प्राचीन मंदिरों के भी अवशेष हैं। इनमें से दैत्यसुदन मंदिर भी शामिल है। ये भगवान विष्णु, दुर्गा, सूर्य और नरसिंह को समर्पित है। इनकी बनावट ध्वजारोहों की मंदिरों जैसी है। अब तक के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।